हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज से आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रही है, जिसका इंग्लिश का पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वार्टरली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप अपने नोट्स अपनी बुक्स में से कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस में अभी तक आपको जितना भी वर्क करवाया गया है उसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसका रिविज़न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आप अपना इंग्लिश का पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के पेपर के पहले, जिस तरीके से जब आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे तो आप प्रिपेयर कर स्कूल आते थे, उसी तरीके से आपको घर पर भी रहकर एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड होना है, उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करना है। ध्यान रखिए, आप इस पेपर को अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर समझ सकते हैं। फिर जब आपको अच्छे से ये पेपर समझ में आ जाए, आप एग्जाम देने के लिए फुली प्रिपेयर हो जाए, उसी के बाद आप इसे अपनी एग्जाम कॉपी में राइट करना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम का पेपर आपकी 50 मार्क्स का है, जिसका इंग्लिश का पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस को दोबारा राइट करना है यूजिंग अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया गया है। ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं, इन अंडरलाइन किए गए वर्ड का अपोजिट वर्ड आपको राइट कर इसे राइट करना है। जैसे कि आपको यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है ओपन द डोर, तो यहाँ पर आपको ओपन के नीचे अंडरलाइन शो हो रहा है, तो इस ओपन वर्ड को आपको इस ओपन वर्ड की जगह इसका जो अपोजिट वर्ड है उसे यहाँ पर राइट करते हुए इस सेंटेंस को अगेन रीराइट करना है। तो आप अपनी कॉपी में आंसर डालकर ओपन की जगह पर, ओपन के प्लेस पर आपको अपोजिट वर्ड राइट करना है। ओपन का अपोजिट क्या होता है, आपको वो वर्ड यहाँ पर राइट करते हुए इस सेंटेंस को रीराइट करना है। एज इट इज़ आपको सेकेंड आई लाइक टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, आपको यहाँ पर हॉट के नीचे अंडरलाइन शो हो रहा है, तो हॉट वर्ड का अपोजिट वर्ड आपको राइट करते हुए इस सेंटेंस को रीराइट करना है। एज इट इज़ थर्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट, आपको यहाँ पर इम्पॉसिबल वर्ड के नीचे अंडरलाइन शो हो रहा है, तो आपको इम्पॉसिबल का अपोजिट वर्ड राइट कर इस सेंटेंस को रीराइट करना है। नेक्स्ट फोर्थ, राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम इज़ अ गुड, यहाँ पर गुड के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको गुड का अपोजिट राइट करना है। एंड फिफ्थ, डियर रन फास्ट, यहाँ पर फास्ट वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर राइट करते हुए इस सेंटेंस को रीराइट करना है। तो क्वेश्चन वन में आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स के नीचे आपको अंडरलाइन दिया हुआ है, उन वर्ड्स का अपोजिट वर्ड राइट करते हुए आपको सेंटेंस रीराइट कर अपनी कॉपी में क्वेश्चन वन कंप्लीट कर लाइन ड्रॉ कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाए उसी के बाद आपको अपने सेकंड क्वेश्चन पर जाना है। ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेकेंड है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको एवरी क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 to 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो करेक्ट आंसर है 1 उसे चूज़ कर आपको आंसर 1 डालकर कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट है द मैन वॉज स्टैंडिंग - 2 पुलिसमैन, ओके, द मैन वॉज स्टैंडिंग 2 पुलिसमैन, जिसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं बिफोर विथ इन बिटवीन, आपको जो भी इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन लगता है आपको यहाँ पर आंसर में उसे राइट कर कंप्लीट करना है। सेकंड है द मीनिंग ऑफ सेंचुरी इज़, यानी कि सेंचुरी का मीनिंग आप क्या होता है, जिसके ऑप्शंस हैं टू फील शाय, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर एंड लुक, आपको इन तीनों में से जो भी करेक्ट आंसर लगता है आपको उसे अपनी कॉपी में राइट कर कंप्लीट करना है। थर्ड है द प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉपी इज़, यानी कि कॉपी का प्लूरल वर्ड आपको यहाँ पर राइट करना है, जिसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कॉपीज़ एंड कॉपीज़, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है और फिर उसे राइट कर कंप्लीट
करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस कंप्लीट होता है। थर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन थ्री राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि वो सेंटेंस ट्रू ये सही है या गलत। अगर वो सेंटेंस करेक्ट है तो आपको ट्रू राइट करना है, अगर वो सेंटेंस रॉन्ग है गलत है तो आपको फॉल्स राइट करना है। फर्स्ट आपका यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है वो है अलीबाबा वॉज अ रिच वुड कटर, यानी कि अलीबाबा जो थे वो बहुत ही अमीर लकड़ी काटने वाले थे। अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो आपको ट्रू राइट करना है और अगर गलत है तो आपको फॉल्स राइट कर कर इसे कंप्लीट करना है। सेकंड है माय ब्रदर इज लेइंग सेंसलेस, आपको इसका ट्रू और फॉल्स राइट करना है। थर्ड मुस्तफा वॉज अ टेलर, तो आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स राइट कर कर इसे कंप्लीट करना है। आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन फोर मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैचिंग कंप्लीट करनी है तो आपको करेक्ट ऑप्शंस के सामने करेक्ट आंसर राइट करते हुए इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं फर्स्ट है द मीनिंग ऑफ एनॉय, सेकेंड द एलिफेंट लॉन्ग नोज एंड द मीनिंग ऑफ चीर। ओके, तो यहाँ पर आपको थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं जो है लो इन प्राइस टू डिसप्लीज एंड ट्रंक। यहाँ पर आपको थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्हें आपको करेक्ट आंसर राइट करते हुए कंप्लीट करना है। द मीनिंग ऑफ एनॉइन का यानी एनॉइन वर्ड का मीनिंग आपको इन तीनों में से बताना है कौन सा है और उसे यहाँ राइट कर कंप्लीट करना है। द एलिफेंट लॉन्ग नोज, एलिफेंट की जो लंबी सी नाक होती है उसे क्या कहते हैं, आपको इन तीनों में से चूज कर सेकेंड आंसर राइट करना है। थर्ड द मीनिंग ऑफ चीप, यानी कि चीप वर्ड का मीनिंग आपको इन तीनों में से जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उसे आपको यहाँ पर राइट कर इसे कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपके क्वेश्चन फोर मैच द फॉलोइंग तक कंप्लीट होता है। ध्यान रखिए अगर आपको कॉपी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर उसे सॉल्व कीजिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप उस पहले रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फाइव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि जो छोटे आंसर्स हैं वे वाले क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके टोटल सिक्स क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जो 12 मार्क्स हैं, यानी कि आपका ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रखिए ये जो सिक्स क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ये अभी तक आपके जितना चैप्टर्स आपको करवाए गए हैं, आपको सभी चैप्टर्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके लिए आपको अपने सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द पोएट लाइक टू वॉच, सेकेंड हाउ डिड ही अर्न मनी, थर्ड वाई has the tiger called money his enemy, man his enemy, fourth what happened when dad shouted at truffle, fifth what does a doctor do, sixth why were the parents proud of their daughter। ये सिक्स क्वेश्चन आपके चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको वहाँ से आंसर्स लर्न कर अच्छे से फिर अपनी एग्जाम कॉपी में राइट कर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें राइट फोर लाइन्स ऑफ एनी पोएम इन योर बुक। आपको अपनी बुक की किसी भी पोएम में से जो आपकी जुलाई टू सितंबर कोर्स में अभी तक करवाई गई है, तो आपको अपनी बुक की किसी भी पोएम में से फोर लाइन्स पोएम की यहाँ पर राइट कर इसे कंप्लीट करना है। सेवेंथ राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन, आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट राइट करना है जो आपको दो टॉपिक्स दिए हुए हैं, वन फर्स्ट है टाइगर एंड क्लीनलीनेस, यानी कि इन दोनों टॉपिक में से जो भी टॉपिक आपको किसी भी एक टॉपिक पर दोनों में से शॉर्ट नोट राइट करना है। ध्यान रखिएगा मिनिमम आपको शॉर्ट नोट की 5 to 6 लाइंस राइट करनी है, 5 लाइंस से कम लाइनें आप शॉर्ट नोट में नहीं राइट कर सकते हैं, आपको 5 to 6 लाइंस शॉर्ट नोट में राइट करनी ही है। क्वेश्चन नंबर एट आपको यहाँ दिया हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 डेज सिक लीव।
आपको अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन राइट करनी है फॉर 3 डेज सिक लीव, यानी कि आपको 3 दिन फीवर या बीमारी के कारण, तबीयत ख़राब होने के कारण 3 डेज की लीव के लिए अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन राइट कर इसे कंप्लीट करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन एप्लीकेशन नहीं राइट करना है तो उसके और मैं आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी कि आपको एक लेटर राइट करना है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने बर्थडे पर। तो यहाँ पर अपने बर्थडे पर इनवाइट करते हुए आपको अपने फ्रेंड को लेटर राइट करना है। तो यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चन में चॉइस दिया हुआ है, या तो आप एप्लीकेशन राइट कीजिए अपने क्लास टीचर को फॉर 3 डेज सिक लीव, या फिर आपको अपने फ्रेंड को इनवाइटिंग लेटर राइट करना है। इन दोनों क्वेश्चन में से आप एप्लीकेशन या लेटर, जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, आप उसे राइट कर कर यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट एन एसे। आपको यहाँ पर ऐसे राइटिंग करना है जिसमें के ऑप्शंस आपको दिए हुए रेनी डे एंड एनी रिलीजियस फेस्टिवल। रेनी डे यानी कि बरसात का दिन, और रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि कोई सा भी रिलीजियस फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, जो भी आपको अभी तक करवाया गया है, उन दोनों ऐसे में से कोई सा भी ऐसे आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको ऐसे में मिनिमम 9 to 10 लाइन्स आपको राइट कर कर इसे कम्प्लीट करना है। इसी के साथ आपका क्लास 4 का इंग्लिश का पेपर यहाँ कंप्लीट होता है। आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा एक अपनी कॉपी में राइट करने से पहले। आप प्रॉपर नीट एंड क्लीन राइट करेंगे, आप बिल्कुल कॉपी को बिना गंदा किए आपको प्रॉपर वे में अपना कोर्स कंप्लीट करना है और नेक्स्ट पेपर के लिए भी रेडी रहना है।